भाई ये वो जगह है जहाँ पे खरगोशों का घर बनने लगा है, और उनकी चारदीवारी के लिए ये सारा मैं इकट्ठा करके लेके आ गया हूँ। जाली को रंग कर दिया गया है, ये उनकी छत होगी, ऊपर लगाई जाएगी, इसके ऊपर एक छापर लगाया जाएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर पराली रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे है मेरा हलालजू। तो हलालजू के अंदर आज कौन सी स्टोरी चले जी, शुरू करते हैं। भाई पूरी चारदीवारी तैयार हो चुकी हुई है, इस तरफ भी ये इसका मेन गेट होगा, बाकी अंदर भी सेटिंग करते हैं। भाई एक पहली खरगोशनी के लिए, ये दूसरी के लिए, और तीसरी के लिए अभी बनने लगा है, ऊपर सब खरगोशों के लिए। भाई एक ये कमरा तैयार हो गया और एक ये वाला कमरा तैयार हो गया, और ये मेन कमरा है, और ऊपर इसके छत भी सीसी डाल चुकी हुई है। ये जो इनकी रहाइश है ना वो बन चुकी हुई है, अब जो ऊपर मेन छत है ना वो डाल लेते हैं। भाई इनके यहाँ पे ना ये तूर भी बिछा दी गई है, ये इनकी आराम के लिए बहुत बेहतर होगी। इसने सबसे पहले जगह कवर कर ली है, कोई काम ख़राब है अंदर। भाई लोभी सबको ला के यहाँ शिफ्ट कर दिया है, एक दो तीन चार, अंदर दो हैं, पाँच छः और एक इस अंदर गया हुआ, सात सात पूरे हैं। तीन फीमेल खरगोश ने उनके लिए तीन घर बन चुके हैं, बाकी सब के लिए चलने फिरने के लिए। चलो जी ऊपर से हम कवर करते हैं। लोभी ऊपर से सारा कवर कर दिया गया है, ये बच्चों की मौजें हो गई हैं, ये ऊपर इनकी जो छत है वो लगा दी गई है। इसके बाद इनको कवर करते हैं, वहाँ पे कागज़ लगाते हैं प्लास्टिक का, फिर ऊपर मज़ीद पराली डाल देते हैं। भाई यहाँ पे आज आपको कोई भी खरगोश नज़र नहीं आ गया, क्योंकि उनको मैंने शिफ्ट कर दिया हुआ है। भाई सारा जो काम है ना वो A1 हो चुका हुआ है, अब खरगोश को भी अंदर शिफ्ट कर दिया हुआ है। शिफ्ट करने के बाद ना अब मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए ना कोई ला दूँ वो ऊपर ना डालने के लिए, ताकि ये बारिश से महफूज रहें। ये आला क्वालिटी घर बन चुका हुआ, अब ना ये टाइम हो चुका हुआ है दोपहर के खाने का, तो इनको फीड भी डालनी है। सारी जो मुर्गियां हैं ना वो अभी यहाँ पे आ चुकी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि उनको मैं कुछ डालूं, और जो वो अंदर बंद है ना वो भी बेचैन हो चुके हुए हैं कि उनको मैं जल्दी से खोल दूँ। भाई एक बार दोबारा ज़रा व्यू देखते हैं कि इनको थोड़ी देर मैंने अंदर रखा था, तो अंदर रहने के बाद इन्होंने क्या चेंज किया वो ज़रा चेक कर लेते हैं। पीछे 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 लो भाई, ये सारा माहौल है, यहाँ से 1 लाख, ये 2 लाख। भाई हाँ जी, ये भाई पीटर है, वो फीमेल रैबिट है, ये भी फीमेल रैबिट है, वो मेल है, ऊपर मेल है और अंदर भी फीमेल रैबिट है। इसके अंदर कोई गया हुआ है? अभी तो कोई नहीं गया हुआ। भाई ये सारा इसका जो व्यू है ना वो यहाँ से नज़र आ रहा है। अच्छा इसके अंदर मैं खुद भी जा सकता हूँ, टोपी मेरी उतर गई यार, भाई चला गया मैं खुद ही। भाई इस खुड्डे के अंदर मैं खुद गया हूँ, यहाँ से थोड़ी सी ना सेटिंग ख़राब थी तो वो मैं अब सही कर रहा हूँ। अभी ज़रा अंदर का व्यू लेते हैं कि अंदर जाके कौन कौन सी खरगोशनी बैठी हुई है और क्या कर रही है। भाई सबसे पहले ये वाली है, आराम से बैठी हुई है, एक ये घर होगा, दूसरा भाई ये है, इधर भी भाई सारे आराम से बैठे हुए हैं, और तीसरा ये भाई इधर भी, मतलब कि तीनों के तीनों जो कमरे हैं ना फिल हो चुके हुए हैं। ऊपर क्या हो रहा भाई? हाँ जी सेट हो भाई, सेट है ये। भाई अंदर आने में थोड़ी मुश्किल तो है लेकिन सेफ तो है। ये अंदर अंदर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ अंदर आके फील हो रहा है कि थोड़ी बहुत गर्मी है, और बाहर जाके फील हो रहा है कि थोड़ी सी ठंड है। बाहर निकलता हूँ भाई मैं। भाई फंस गया, लो भाई हाय हाय। लो भाई आज की स्टोरी मेरी यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि काम ख़त्म हो चुका हुआ है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।